ब्रेकथ्रू संस्था एक ऐसी संस्था है जो जेंडर नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म करने में काम करते हैं, ताकि यंगर जनरेशन जो हो वो एक बहुत जेंडर इक्वल कल्चर को एम्ब्रेस करे और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है उसको ना करे। तो इसीलिए पॉपुलर कल्चर का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर से हमारी कल्चर बनते हैं और यंग लोग जो है वो बहुत सारे तादाद में ये कल्चर कंज्यूम करते हैं। तो पॉपुलर कल्चर में अगर प्रोग्रेसिव कंटेंट हो, अगर कंटेंट जो महिलाओं को समर्थन करते हैं और महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट की तलाश में रहते हैं। एंड व्हेन वी लुक एट बॉलीवुड, बॉलीवुड शेप्स कल्चर, सो वी कैन फाइंड प्रोग्रेसिव कंटेंट, जो कंटेंट औरत और लड़कियों को आगे जाने में मदद करेंगे। तो ऐसे कंटेंट लिखने वाले और ऐसे कंटेंट तैयार करने वाले लोगों के साथ हम एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उस रिलेशनशिप के हिसाब से हम 2 साल पहले फुर्सत पे सीरियस बातें बोल के एक टॉक शो लॉन्च किया था, वरुण ग्रोवर ने उसको एंकर किया था और वो वरुण की यूट्यूब चैनल में रिलीज़ हुआ था। और इस साल हम उसका सीज़न 2 बनाने जा रहे हैं, बन चुके हैं, ये लॉन्च है उसके लिए। और सुचरिता तो एमी ने इसको एंकर किया है और बाकी आप शो में देखेंगे ज़रूर। तो हम वो लॉन्च करने के लिए मुंबई में आए हैं और इंडस्ट्री के लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि हम और भी ज़्यादा इसे ब्रेकथ्रू में CPO यानी चीफ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और ब्रेकथ्रू कुछ 25 सालों से काम कर रही है, ताकि किस तरह से लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दें। और जो हम देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए एक एक्सेप्टेंस है, लोग बोलते हैं कि औरत हैं तो उनको ऐसे ही चलना चाहिए, औरत ही किसी तरह से वो शी इज़ आस्किंग फॉर इट। तो ब्रेकथ्रू लगातार इस पे काम करने की कोशिश करती है कि कैसे ये अमान्य हो, कैसे ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस अमान्य हो। और इसके लिए हम लोग कई स्तरों पे काम करते हैं। हम ज़मीनी स्तरों पे काम करते हैं एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स के साथ, यानी 11 से 25 साल के लोगों के साथ। और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक जो बड़ा मीडिया है उसके साथ भी काम करें, क्योंकि मीडिया बहुत तरह से लोगों के दिमाग में कहानियाँ डालते हैं। और ये कहानियाँ सिर्फ एक्टर के ज़रिए नहीं है ना, ये एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, जो लोग एक सिनेमाटोग्राफर, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है सिनेमा का, इससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और इसी सब को देखते हुए हम मुंबई में आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस ये जो बातें हैं, ये जो अलग तरह की बातें हैं कि लड़की होगी तो ऐसे ही होगी, लड़का होगा तो ऐसे ही होगा, ट्रांसजेंडर होंगे तो ऐसे ही होंगे, इस तरह की बातों से आगे बढ़कर अगर हम एक नैरेटिव क्रिएट कर पाएँ, इसकी वजह से आज हम लोग मुंबई में हैं और लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं ब्रेकथ्रू में काम करती हूँ और मैं वहाँ कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप सेट करती हूँ। ब्रेकथ्रू का जो विज़न है इस शो को लेकर, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम कहानियों की बात करते हैं तो कहानियों के माध्यम से हम कैसे ऐसे नैरेटिव्स लेके आएँ जो कि आजकल इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। क्योंकि जब हम कंटेंट की बात करते हैं और कंटेंट हर जगह बन रहा है आजकल, चाहे डिजिटल हो, चाहे OTT हो, चाहे फिल्म्स हो, तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी वायलेंस भी है, उसमें काफ़ी स्टीरियोटिपिकल नैरेटिव्स भी हैं। कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन या उनकी कैरेक्टराइजेशन एक तरीके से की जाती है, बट हमें ये लगता है कि कहानियाँ बहुत पावरफुल होती हैं और कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिनसे आप ये आइडियाज़ चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जो लोग इनको देखते हैं, स्पेशली यंग लोग जो एक्चुअली बहुत सारा कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं, क्या हम उनको कोई ऐसी कहानियाँ दिखा सकते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सोचने पे, जिससे वो मजबूर हों, जिससे उन्हें लगे कि ये भी एक तरीका है कहानियाँ कहने का। सो वो सोच के हमें लगा कि अगर हमें ये कहानियों के बारे में बात करनी है तो हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो ये कहानियाँ कहते हैं, जो लिखते हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग मिल के इस बारे में बात करें? तो ये शो उसी के बारे में है। सीज़न 1 हमने 2022 में वरुण ग्रोवर के साथ किया था, जो उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ था, और उससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली
तो और सीज़न टू हम अब लेके आ रहे हैं सुचारिता के साथ जो कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं. सो यही हमारा मकसद है इससे कि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात कर सकें, कोशिश कर सकें कि इंडस्ट्री में ये जो स्टोरीज़ हैं इनके बारे इसके माध्यम से हम कुछ नैरेटिव्स अगर चेंज कर सकें तो हमें लगेगा कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं. वरुण, आपने पिछला सीजन होस्ट किया था और पिछले सीजन में कुछ बहुत सारे लोगों से हमने बात की, क्या निकल के आया पिछले सीजन से और ये सीजन क्यों लेकर आए? तो दो साल पहले जैसा कि प्रियंका ने बताया, ब्रेक थ्रू केम टू मी एंड दे हैड दिस आइडिया ऑफ डूइंग अ चैट शो जहाँ पे हम क्रिएटर से बात करें उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, स्पेसिफिकली अगर किसी भी उनके काम में फेड अ वेरी यू नो बिग इम्पैक्ट ऑन आर सोसाइटी इन द लास्ट डेकेड आई वुड से विद द वर्क्स. सो इससे निकल के ये आया, दो तीन चीज़ें निकल के आई. मेरे लिए अपने लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी. आई एम श्योर पीपल हु केम ऑन द शो एंड हैड अ कॉन्वर्सेशन दे आई एम नॉट सेइंग दे वेंट बैक विद यू नो सम ड्रास्टिक चेंज इन देयर वॉट एवर बट एटलीस्ट दे ऑल्सो गॉट टू टॉक अबाउट देयर क्रिएटिव प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर लेंस विच नो वन टॉक्स अबाउट. अनदर इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट आई वुड से इज actually that these conversations are happening in an industry which doesn't talk about anything which has to do with figuring out how to do something better. The industry is always in a very self congratulatory mood. So wahan pe ek space bana aur wahan pe bahut sare aise creators aaye who are very very you know well known and very popular. So they came, so them being on this show and talking about the creative process and talking about violence, depiction of violence has started I think a good trend where we should be talking about more of this. And now thankfully to take it forward we have someone like Sucharita here who is doing the season 2 of it and with many more creators. So Sucharita, now maybe you can tell us. Yeah. What's आई टॉक अबाउट फिल्में हर हफ्ते, मेरा काम ही है और मुझे बहुत पसंद है फिल्में देखना और उनके बारे में बात करना. बिकॉज ये लाइक वरुण साइड घर दिमाग घर पे छोड़ के आओ कहने के लिए बड़ी फ़नी चीज़ होती है बट ये इतनी आउटडेटेड चीज़ है. दिमाग घर पे आप कैसे छोड़ के आ सकते हो? आप कहीं भी जा रहे हो दिमाग आपके शरीर के साथ जाएगा और हर चीज़ से दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है. चाहे आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, एक सेकेंड की इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं और या ढाई तीन घंटे की पूरी जो ये फिल्म बनाते हैं, जो उनमें एक्टिंग करते हैं, जो फिल्में लिखते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बिकॉज सबसे देश में प्रोमिनेंट और दुनिया में प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया इज ऑलवेज सिनेमा. इट्स वन ऑफ द रीजंस आई गॉट इन टू फिल्म क्रिटिसिज्म इज बिकॉज आई रियली लाइक वॉचिंग फिल्म्स एंड टॉकिंग अबाउट फिल्म्स एंड गेटिंग कॉन्टेक्चुअली एनालाइजिंग फिल्म्स. समटाइम्स गेट यू नो वेरी एनालिटिकली अनोइंग अबाउट इट ऑल्सो फॉर व्हाटएवर. सो व्हेन ब्रेकथ्रू केम टू मी विद दिस, पहले तो वरुण ग्रोवर ने जो पहला सीजन किया था वो बिग फैन, वेरी गुड 4 एपिसोड्स दे डिड, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एंड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस एज वेल. और इस बार जब इस साल की शुरुआत में आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास जब ब्रेकथ्रू मेरे पास है, उन्होंने कहा कि आप दूसरा सीजन करना चाहते हैं और तुम करोगे क्या, आज नहीं की और कुछ करो आओ करते हैं. देन वी गॉट टुगेदर, वी डिस्कस कौन से गेस्ट्स लेकर आएँ, किस तरीके से लोगों को इन्वाइट किया जाए इस शो पर. और यू नो वी हैव अ वेरी वेरी गुड लाइन अप, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं. और ये बातें मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समाज सुधारों झंडा लेके निकले हैं कि हम सब बदल देंगे. फिल्मों के बारे में बातें, उनके काम के बारे में बातें. बिकॉज कोई फिल्में बना रहा है तो वो मोस्टली अपनी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कहानी के बारे में सोच रहे हैं और उस सोच में उनकी सोच क्या है ये कोशिश की है निकालने की इंटरव्यूज़ के थ्रू. 6 इंटरव्यूज़ हैं, आपको दिखेंगे, कल से शुरू हो जाएंगे मेरे चैनल पर. तो सब्सक्राइब प्लीज़ एंड शेयर इट विद एवरीबॉडी. सुचारिता, फुर्सत में सीरियस बातें जब बोलते हैं, जब फुर्सत में सीरियस बातें, क्या सीरियस बातें एक्सपेक्ट करने को मिलेगी और आप क्या मैसेज दोगे कि क्यों देखना चाहिए ये सीज़न? मैं ना थोड़ी तासीर से सीरियस इंसान हूँ, लगती नहीं हूँ मैं शक्ल से, पर बातें करते करते अंदर से सीरियस बातें निकल आती हैं. बिकॉज मेरे रिव्यूज़ के नीचे बहुत लोग कॉमेंट ये करते हैं कि तुम हर चीज़ को एक फेमिनिस्ट एंगल से क्यों देखती हो, हर चीज़ में तुम्हें फेमिनिज्म क्यों गुजारना होता है? क्योंकि वो मेरी लाइफ है, मैं पूरी दुनिया को अपने एंगल से देखती हूँ. मैं हूँ एज अ वुमन, आई लिव इन दिस वर्ल्ड and that's just my angle towards life and that comes in my reviews and that also comes in my conversations. Main jab baatein karti hu logon se wo I can't help but talk about things that impact me, things that I feel deeply about. aur fursat kyunki jo jin logon se humne baatein ki hai bade aaram se lambi lambi 40 minute ki conversations hai, 40 minute ek ghanta, to bahut fursat mein baatein ki hai. aur dekho
क्या निकल के आता है, प्लीज देखिए बताइए।